हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञानोदय फॉर यू ऑल ओवर इंडिया लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, डेली की तरह आज भी ज्ञानोदय फॉर यू चैनल आप सभी के लिए एमसीएल डिपार्टमेंट द्वारा रिलीज की गई शानदार वैकेंसी की अपडेट देने वाला है। तो देखिए फ्रेंड, एमसीएल क्या है? महानदी कोल लिमिटेड, यानी कि महानदी कोल विभाग द्वारा ये वैकेंसी रिलीज की गई है और इसमें बहुत ही शानदार पोस्ट है। कौन कौन पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है? तो देखिए फ्रेंड, इसमें माइनिंग सरदार, जूनियर ओवरमैन एंड सर्वेयर जैसे पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। तो इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, कितना पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है, इसके लिए आप एलिजिबल क्राइटेरिया, आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आप कब से कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट डेट क्या है इसकी, और इसमें आप फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से लिंक है, और इसमें आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी आधिकारिक सूचना कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपकी एज लिमिट, आयु सीमा क्या है, और इसमें आपको एक एक पॉइंट की जानकारी मिलने वाले इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए फ्रेंड, यदि आप भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें, और एंड तक देखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी के लिए। तो चलिए फ्रेंड, टाइम ना वेस्ट करते आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, संपूर्ण जानकारी स्टेप टू स्टेप देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा। ये देखिए एमसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे इस समय हम हैं, आप भी देखिए, ये दिया हुआ है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.mahanadikol.in। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे और इंटर करेंगे वैसे ही आप भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रेंड। और जैसे ही आप आएंगे, अब आपको हम बताते हैं कि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे और आप इसके संपूर्ण जानकारी कैसे पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ बहुत सारे सेक्शन दिया हुआ है, होम, अबाउट, आरटीआई, ग्रीवियांस, न्यूज एंड मीडिया, इन्फो बैंक, और यहाँ करियर। तो यहाँ पे आपको करियर वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। और देखिए फ्रेंड, यदि आप हिंदी में जानकारी चाहते हैं तो यहाँ हिंदी वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिए, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे इंग्लिश में करेंगे तो इंग्लिश में। तो इस समय देखिए करियर वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही करियर वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए करियर एट एमसीएल दिया हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारे नोटिस आपको दिखाई देंगे। ये देखिए नोटिस दिया हुआ है जो लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है एमसीएल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो देखिए दिया हुआ एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ओपन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट जूनियर ओवरमैन टी एंड एस, और दिया है ग्रुप सी माइनिंग सरदार टी एंड एस, ग्रुप सी सर्वेयर एंड टी एस। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें देखिए फ्रेंड, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में एडवर्टाइजमेंट या ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें दोनों लैंग्वेज दिया है, जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं, आप जिसमें समझ में आ रहा है उसमें आप क्लिक करके डाउनलोड कीजिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो देखिए इंग्लिश वाले सेक्शन पे चलते हैं या हिंदी वाले, तो सबसे पहले हिंदी वाले में चलते हैं। तो हिंदी वाले में जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड, एक नया पेज ओपन होगा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। ये देखिए फ्रेंड, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। ये दिया रोजगार सूचना विज्ञापन दिया हुआ है। इसमें देखिए दिया हुआ है भारत सरकार का एक उपक्रम कोल इंडिया लिमिटेड अनुसंगी कंपनी महानदी कोल फील्ड लिमिटेड निम्नलिखित पदों के लिए भारत के योग्य नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पात्रता मापदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड में ही फिलअप किया जाएगा जो आप एप्लीकेशन है। तो देखिए कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। तो इसमें फर्स्ट नंबर देखिए जूनियर ओवरमैन टी एंड एस ग्रुप सी के लिए वैकेंसी है। टोटल कितनी पोस्ट है? 82 पोस्ट के लिए है जूनियर ओवरमैन टी एंड एस ग्रुप सी के लिए दिया है। सैलरी जो है आपके लिए सभी में सैलरी आपको अलग अलग है। जैसे इसमें सैलरी है 31,852 रुपये, इसमें है आपको सैलरी दिया हुआ है पर मंथ, पीएम मींस पर मंथ दिया जाएगा। और इसमें 82 पोस्ट को किस प्रकार डिवाइड किया गया, कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है। अनरिजर्व के लिए 43 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पोस्ट है, और एससी कैंडिडेट के लिए 14, और एसटी के लिए दिया हुआ है ये 7 पोस्ट है, और ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए 10 पोस्ट है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है माइनिंग सरदार टी एंड एस ग्रुप सी के लिए दिया हुआ है। सैलरी आपको सेम है, 31,852 रुपये सैलरी है। अनरिजर्व के लिए 74 पोस्ट है, और इसमें देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए 14 पोस्ट है, एससी के लिए 13, और एसटी के लिए 35 पोस्ट, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 9 पोस्ट। तो इस प्रकार टोटल जो माइनिंग सरदार टीएस के लिए दिया हुआ है 145 पोस्ट है। सर्वेयर टीएस एंड ग्रेड बी के लिए भी दिया हुआ है
कितनी पोस्ट है, 68 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 27 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पोस्ट है, एसटी कैंडिडेट के लिए 12 और एसटी के लिए 4 पोस्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे 9 पोस्ट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए है। तो सर्वेयर एंड टी एंड एस ग्रुप बी की वैकेंसी है, इसमें सैलरी ज्यादा है, इसमें है 34,391.65 रुपए पर मंथ इसमें सैलरी है, इसमें यानी 34,391 रुपए इसमें सैलरी है। और देखिए इसमें टोटल दिव्यांग कैंडिडेट या फिजिकल विद डिजेबिलिटी जिसे कहते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी 4 पोस्ट रिजर्व किया गया है, ये देख सकते हैं 4 पोस्ट, वो भी कौन से पोस्ट के लिए, सर्वेयर और माइन के लिए है, ये देख सकते हैं टोटल जो दिया हुआ है 4 पोस्ट के लिए। अब देखिए फ्रेंड इसमें आपके लिए इसमें न्यूनतम आपकी अर्हता या एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, दिया हुआ है पद का नाम दिया हुआ है जूनियर ओवरमैन टी एंड एस ग्रेड सी के लिए दिया हुआ है। आपके पास योग्यता या आवश्यक अर्हता यानी कि नेसेसरी जो आपके एलिजिबिलिटी है, माइनिंग इंजीनियरिंग होनी चाहिए कौन से पोस्ट के लिए, ये जूनियर ओवरमैन टी एंड एस ग्रेड सी के लिए दिया हुआ है। माइनिंग इंजीनियरिंग में 3 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा या माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री या केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से या अन्य समकक्ष योग्यता आपके पास होनी चाहिए, यानी 3 साल का आपको माइनिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए या आपके पास डिग्री होनी चाहिए माइनिंग की। और दिया हुआ साथ ही सेकंड नंबर जो दिया है खान सुरक्षा महानिदेशालय DGMS द्वारा कोयला खान नियमन 2017 के तहत ओपन कोस्ट OC या अंडरग्राउंड UG खानों में कार्य करने के लिए आपके पास वैध ओवरमैन योग्यता प्रमाण पत्र यानी कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और दिया हुआ या आपके पास कोयला खान नियमन 2017 के अनुसार अनुमोदित दोनों खानों OG और UG में ओवरमाइन के रूप में खनन कार्य के लिए कोई अन्य प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास वैध प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र होना चाहिए यानी कि वैलिड आपके जो चिकित्सा प्रमाण पत्र मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैध गैस टेस्टिंग प्रमाण पत्र होना चाहिए, वैलिड आपके जो गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये दिया था। और नेक्स्ट देखिए माइनिंग सरदार टी एंड एस ग्रेड सी के लिए क्या दिया हुआ है आपके लिए, इसमें भी देखिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा यानी कि 10+2 आप क्वालिफाई किए हों या किसी भी आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड से समकक्ष परीक्षा हो, और साथ ही साथ आपके पास माइनिंग इंजीनियरिंग में 3 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा होना चाहिए या माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री या केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड दिया हुआ है कोयला खान से, वही दिया है यूजी के तहत OC अंडरग्राउंड दोनों खानों में काम करने के लिए DGS के वैध खनन सरदारशिप सक्षमता प्रमाण पत्र आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए सरदारशिप की। और यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास दोनों खानों में यूजी या OC माइनिंग सरदार के रूप में खनन कार्य करने के लिए कोई अन्य सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही आपके पास वैलिड जो आपके पास होना चाहिए वैलिड चिकित्सा प्रमाण पत्र या मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होने चाहिए, तो ये आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और दिया सर्वेयर टी एंड एस ग्रेड बी के लिए जो दिया उसके लिए आपके पास 12 पास होना चाहिए, आपके पास 3 साल के माइनिंग इंजीनियरिंग या सर्वेइंग में इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए या माइनिंग या माइनिंग या माइन सर्वेइंग इंजीनियरिंग में डिग्री या केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित आपके पास डिग्री होनी चाहिए, यानी कि इसमें आपके पास जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसकी आपको डिप्लोमा होना चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास डिग्री हो या डिप्लोमा हो और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये दिया ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों काम करने के लिए ये नियमन 2017 के अनुसार खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा जारी योग्यता का वैध सर्वेक्षण सक्षमता प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपकी एज लिमिट इसमें क्या होनी चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए, देखिए एज का जो कैलकुलेशन किया जाएगा, आयु की गणना किया जाएगी 23 जनवरी 2023 के अनुसार होगी, लास्ट डेट जो दिया है 23 जनवरी 2023। और इसमें आपकी मिनिमम एज 18 ईयर 18 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए 30 ईयर यानी 30 साल होनी चाहिए। और देखिए फ्रेंड इसमें आपको आयु में छूट भी दी जाएगी, आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा कैटेगरी वाइज जैसे दिया हुआ है, अनरिजर्व कैंडिडेट या EWS कैंडिडेट से कोई भी छूट नहीं दी जा रही, OBC जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको 3 साल की छूट, SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जा रही, एक्स सर्विसमैन के लिए जो है रक्षा सेवाओं में प्रदान की गई सेवा की वास्तविक अवधि प्लस 3 साल और छूट दी जाएगी। और देखिए दिया विभागीय उम्मीदवार
यानी कि डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट हैं या इसकी अनुषंगी कंपनियों में काम करने वाले कैंडिडेट को कोई ऊपरी सीमा नहीं है, यानी कि वो कितने भी एज के हों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। विकलांग जो है उम्मीदवार या PWD जिसे कहते हैं दिव्यांग कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है, जो सामान्य या जनरल कैंडिडेट हैं उनको 10 साल की छूट, OBC नॉन क्रीमी लेयर दिव्यांग कैंडिडेट को 13 साल की छूट, SC ST कैंडिडेट को 15 साल की आयु में छूट दी जा रही है। और देखिए फ्रेंड यहाँ पे दिया वास्तविक आयु में छूट क्रम संख्या 5 छोड़कर इस शर्तों को अधीन निर्णायक दिया है, तिथि अर्थात 23 जनवरी 2023 के अनुसार आपको पर आवेदक की अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये दिया हो किसके लिए क्रम संख्या 5 को छोड़कर दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड इसमें आपको रिजर्वेशन या आपको छूट जो दी जा रही उसके लिए दिया हुआ, आरक्षण के लिए दिया हुआ है। अब आगे देख लेते हैं कि इसमें आपको एप्लीकेशन फी के कितना पेमेंट करना है, चयन प्रक्रिया क्या है, इसमें चयन प्रक्रिया या सिलेक्शन प्रोसीजर आपको कंप्यूटर आधारित इसमें एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। ये देखिए चयन पद्धति में केवल कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT शामिल होगा और कोई व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित नहीं किया जाएगा, यानी कि इसमें पर्सनल इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा आपका यानी ऑनलाइन मोड में होगा, और योग्य उम्मीदवार को अधिसूचना या विज्ञापन में निर्धारित आयु, शैक्षणिक तकनीकी योग्यता, वैध प्रमाण पत्र आदि जैसे पात्रता के संबंध में उनके द्वारा की गई घोषणा के आधार पर आपको प्रवादी के रूप में कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर बुलाया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम की घोषणा उम्मीदवार को ये दिया हुआ है, उम्मीदवार द्वारा आवेदन किए गए पद के उनकी पात्रता के समर्थन के करने वाले दस्तावेजों जांच सत्यापन की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का, और उसके बाद ये दिया हुआ है CBT में खंड ए और खंड बी दो होंगे। खंड ए में सामान्य जागरूकता अभिपरीक्षा विशिष्ट प्रश्न शामिल होंगे जो 1 अंक के होंगे और 20 प्रश्न होंगे या 20 अंक होंगे। इस तरह टेस्ट पेपर खंड बी में तकनीकी ज्ञान यानी कि टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें 80 क्वेश्चन होंगे, और इस प्रकार टोटल जो आपको एग्जाम में कितने अंक देखने को मिलेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। CBT की सटीक समय सारणी MCL वेबसाइट पर होगी, यानी कि आपको जो एग्जाम का डेट होगा वो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी जानकारी। और देखिए CBT के व्यक्तिगत उम्मीदवार के परिणाम MCL जो इसका रिजल्ट होगा वो भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही उपलब्ध होगा। कंप्यूटर टेस्ट में आप देख सकते हैं कितना किस कैटेगरी को कितना मार्क्स अटेंड करना होगा या कितने अंक लाने होंगे ये दिया हुआ है। सामान्य जनरल और EWS कैंडिडेट को कम से कम 100 में से 45 अंक 45 मार्क्स गेन करना होगा, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 40 मार्क्स गेन करना होगा 100 मार्क्स में से, और देखिए SC ST कैंडिडेट को 35 मार्क्स वो भी 100 मार्क्स में से या 35% लाना होगा। और देखिए इसमें दिया हुआ CBT में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों की मेरिट क्रम के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए गए योग्य उम्मीदवार को ये दिया हो 1/3 के अनुपात में दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये था फ्रेंड इंफॉर्मेशन इसकी कंप्लीट, और देखते हैं आपके लिए इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको इसमें कितना एप्लीकेशन फी पेमेंट करना होगा। अब देखिए फ्रेंड आप फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ से आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना है, इसकी जानकारी देते हैं। देखिए ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण यानी कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उम्मीदवार ऊपर बताए गए योग्यता और पात्रता मापदंड के अनुसार करियर रिक्रूटमेंट सेक्शन के तहत MCL वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो देखिए आपको जैसे बताया गया है कि आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, यदि आप एलिजिबल है और इसके जो भी आपसे योग्यता मांगी जा रहे सारा कुछ आपके पास है तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट ये दिया हुआ HTTP ये महानदी कोल.in पर आपको विजिट करना होगा। जैसे ही विजिट करेंगे आपको लिंक दिया रहेगा, करियर वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करेंगे और आवेदन का कोई अन्य माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको ऑनलाइन माध्यम में ही इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले निम्नलिखित विवरण दस्तावेज या जानकारी तैयार रखें। देखिए क्या क्या आपको जैसे ईमेल ID, मोबाइल नंबर, व्यक्तिगत या शैक्षणिक योग्यता आपके पास होना चाहिए, मेट्रिकुलेशन हाई स्कूल पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री मार्कशीट
जेपी से पीडीएफ रूप में होना चाहिए, स्कैन की जाए आगे, स्कैन किया जाएगा। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर एसटी एसटी जो दिया है, जाति प्रमाण पत्र या कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ एक सर्विस मैन के लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दिया पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को, जो पीडब्ल्यूडी यानी कि दिव्यांग जो प्रमाण पत्र होता है उसको भी होना चाहिए। माइनिंग सरदार ओवर सर्वेक्षण के लिए प्रमाण पत्र, गैस टेस्टिंग का जो सर्टिफिकेट होता है, फर्स्ट एंड चिकित्सा प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। आवेदन शुल्क क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको इसमें एप्लीकेशन फी पेमेंट करना होगा। किस कैटेगरी से कितना एप्लीकेशन फी लिया जा रहा है ये आगे आपको बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसमें 1000 रुपये आपको आवेदन शुल्क है और 180 रुपीज इसमें जीएसटी लागू होगी, वो भी नॉन रिफंडेबल होगी। देखिए, जनरल कैंडिडेट यू आर ओबीसी नॉन क्रिमिलियर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से आपको 1000 रुपये एप्लीकेशन फी है और 180 रुपये डिस्चार्ज जीएसटी चार्ज है। तो इस प्रकार आपको जो जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी है, नॉन क्रिमी, ओबीसी क्रिमी और नॉन क्रिमिलेयर और ईडब्ल्यूएस से 1180 रुपये 1180 रुपये लिया जा रहा है। बाकी और कैटेगरी से एप्लीकेशन फी कोई नहीं लिया जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड, ये दिया हुआ है ऑनलाइन विवरण भरने के लिए दिया, आवेदन शुल्क ऑनलाइन मोड में अर्थात डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड द्वारा आपको पेमेंट करना होगा। और यहाँ पे दिया एस सी एस टी ओ बी सी ई एस एम एक्स सर्विसमैन और महिला उम्मीदवार, कोल इंडिया लिमिटेड और अनुसंगी कंपनियों के कर्मचारी से आवेदन शुल्क भुगतान में छूट दी जाएगी, यानी कोई भी एप्लीकेशन नहीं लिया जा रहा एप्लीकेशन फी। तो ये थी फ्रेंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से रिलेटेड। और देखिए फ्रेंड, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है जैसे कि दिया हुआ, इसमें चयनित उम्मीदवार MCL या CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड या महानदी कोल लिमिटेड द्वारा किसी भी खाद्यान्न या परियोजना में आपको आपकी पोस्टिंग किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उसकी सेवा अवधि के दौरान उन्हें किसी भी समय कोल इंडिया लिमिटेड के अन्य अनुषंगी कंपनियों में स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी कि आपको कोल इंडिया लिमिटेड या महानदी इंडिया लिमिटेड के किसी भी खाद्यान्न, किसी भी माइनिंग या आपको किसी भी परियोजना में तैनात किया जा सकता है, पोस्टिंग की जा सकती है। और आपके ड्यूटी के दौरान ही, सर्विस के दौरान ही आपको एक खाद्यान्न से दूसरे खाद्यान्न में आपको पोस्ट किया जा सकता है, रिफर किया जा सकता है। और देखिए दिया हुआ है, इसमें सभी उद्देश्यों के कट ऑफ तारीख जो दिया, लास्ट डेट 23 जनवरी 2023 है और हेल्पलाइन नंबर आपको सोमवार से शनिवार तक आप 9 बजे से 6 बजे तक आप इसके बीच हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। किसी भी विवाद क्षेत्र अधिकार संबलपुर न्यायालय में ही होगा। किसी अस्पष्ट उलझन की स्थिति में रोजगार अधिसूचना अंग्रेजी संस्करण में मान्य होगा। और देखिए फ्रेंड, इसमें डेट दिया हुआ है, एप्लीकेशन ऑनलाइन आवेदन भुगतान गेटवे प्रारंभिक तिथि यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए स्टार्टिंग डेट जो दिया है 3 जनवरी 2023 है। लास्ट डेट जो दिया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए 23 जनवरी 2023 है। 23 जनवरी तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एडमिट कार्ड और CVT एग्जाम और रिजल्ट की जो डेट है उसको आगे आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाएगा, यदि आपको इसमें अपलोड किया जाएगा वेबसाइट द्वारा। तो देखिए फ्रेंड, ये था हिंदी फॉन्ट में। अब देखिए आपको इंग्लिश में दिखा देते हैं, इंग्लिश में आपको इसमें कैसे फॉर्म ये दिया हुआ है, नोटिफिकेशन इंग्लिश में भी दिया हुआ है, सेम नोटिफिकेशन है। यदि आप इंग्लिश में इसमें देखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश वाले फॉन्ट में डाउनलोड करके देख सकते हैं, सेम चीज़ दिया हुआ, वही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में भी दिया हुआ है। तो आप जिसके लिए कंफर्टेबल हैं उसके लिए आप इसमें फॉर्म अप्लाई कीजिए जानकारी लेकर। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ एक कमेंट करके जरूर बताएं। और फ्रेंड, यदि वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल ज्ञानोदय फॉर यू को इसी प्रकार लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।